नमस्कार स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में आपके साथ मैं हूं अंजुल सिंह दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेहतमंद जिंदगी जिए और इसके लिए हम सभी भरसक कोशिशें भी करते हैं अपने दुलार और प्यार से उसे बड़ा करते हैं और छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान नहीं देते लेकिन आपको बता दें कि बच्चे के विकास के दौरान उसकी छोटी छोटी हरकतों में भी बड़ी बीमारियाँ छिपी हो सकती हैं जी हाँ कई बार बच्चे हाव भाव के के जरिए इस तरीके के लक्षण भी बताते हैं ऐसे लक्षण भी दिखा दिखाई देते हैं जो सामान्य नहीं

तो ऑटिज्म क्या है किस तरह का मनोरोग है ये किस तरह से बच्चों के मस, मस्तिष्क के विकास को यह प्रभावित करता है इसके लक्षण और उपचार क्या है आज के कार्यक्रम में हम यही समझने की कोशिश करेंगे विषय आप जान लें विषय है मस्तिष्क के विकास में बाधा डालने वाला विकार ऑटिज्म कारण लक्षण और उपचार यदि आपके किसी अपने को इससे जुड़ी हुई कोई समस्या है आपका बच्चा सामान्य बच्चों से अलग है आपको जानना या पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारा टोल फ्री नंबर देख लें आप एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य शून्य। दूसरा नंबर नोट कर लें। एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य एक तो दोनों नंबर टोल फ्री है यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा बस आप हमें फोन करें आपका कोई पैसा नहीं कटेगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के दो बड़े विशेषज्ञ है। आप हैं प्रोफेसर शिफाली गुलाटी आप अखिल भारतीय भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में चीफ न्यूरोलॉजिस्ट हैं और आपने बच्चों के मस्तिष्क के विकास में बाधा डालने वाले विकार पर काफी काम भी किया है बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर देवेंद्र मिश्रा आप मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर हैं आप का भी हमारे स्टूडियो में कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है तो इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें आपकी कॉल्स लें उससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल देते हैं किसी भी परिवार में बच्चे का जन्म लेना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है मासूम बच्चे की प्यारी सी मुस्कान और तुतलाती जुबान में सिमट जाती है पूरी दुनिया जहान जब मासूम की हर हरकत आपका दिल मोह लेती है, है ना बच्चे के प्यार में हम कुछ इस कदर खो जाते हैं कि उसकी छोटी छोटी हरकतें भी हमें प्यारी लगने लगती है इसलिए तो हम उसे नजरअंदाज भी करते रहते हैं लेकिन कुछ हरकतें ऐसी भी होती है जो न्यूरो डेवलपमेंट की श्रेणी में आती है ऐसी ही एक बीमारी है आर्टिज्म की आर्टिज्म यानी स्वलीनता इसका मतलब ही है अपने आप में ही लीन रहना यह एक दिमागी रोग है बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी दिमाग के विकास के दौरान पैदा होने वाली से से होती है। इस बीमारी ग्रस्त रोगियों का शारीरिक विकास तो होता है लेकिन मानसिक विकास धीमा हो जाता है यही कारण है कि ऐसे बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और हर किसी से खुल नहीं पाते देखिए इन बच्चों को मन से परेशान ये बच्चे अपनी ही दुनिया में किस तरह खोए हुए हैं इनके पास सुनने के लिए कान तो है और देखने के लिए आंखें भी ठीक हैं फिर भी हैं बेखबर स्वलीनता एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है जो मस्तिष्क के सामान्य विकास को बाधित करती है इसमें संचार सामाजिक गतिविधियाँ और व्यवहार पर असर पड़ता है इसके लक्षण अलग अलग बच्चों में अलग अलग हो सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ उनमें बदलाव भी हो सकते हैं आर्टिज्म की बीमारी से पीड़ित बच्चा एक ही काम को बार बार दोहराता है खुद में खोया खोया सा रहता है वह किसी भी बात का जवाब नहीं देता या फिर सुनकर अनसुना कर देता है Hello. 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 आँखों में आंखें डालकर बात करने से घबराता है देखिए इस बच्ची को पापा कहाँ है पापा कहाँ है मम्मी कहाँ है मम्मी कहाँ का है? अपना नाम नहीं बताकर बता मैं शब्दश वही दोहरा रही है बाँगा? जो इससे पूछा जा रहा है क्या नाम है बेटा क्या नाम है, क्या नाम है बेटा मेरा नाम का है आर्टिस्टिक बच्चे सामाजिक गतिविधियों के प्रति उदासीन होते हैं लोगों की ओर न देखते हैं न मुस्कुराते हैं और अपना नाम पुकारे जाने पर भी सामान्यतः कोई प्रतिक्रिया नहीं करते ऐसे बच्चे आसानी से नाराज हो जाते हैं वे कोई काल्पनिक खेल नहीं खेल पाते, बल्कि खिलौनों को या चाटने लग जाते हैं, वह बोलते-बोलते अचानक ही बोलना बंद कर देते हैं और अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं तो जो इसकी है। यदि वजहों की बात करें तो दिमाग के रसायनों में असमानता गर्भ में बच्चे का सही विकास न हो पाना और कई बार अनुवांशिकता भी इस बीमारी की वजह बन जाती है विशेषज्ञों के अनुसार आर्टिज्म के पंचानवे प्रतिशत कारण दिमागी संरचना में गड़बड़ी नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदरूनी रसायनों में असंतुलन का होना है ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है एक मानसिक अवस्था है जिसके अंदर बच्चे के अंदर तीन से चार कोई परेशानियां मूल रूप से होती हैं सबसे पहली सामाजिक हाव भाव में गुणात्मक हानि जिसे हम आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं ये बच्चे आंख से आंख नहीं मिलाते हैं अपने में ही गुम रहते हैं बता दें कि जिन बच्चों में ये रोग होता है उसका विकास दूसरे बच्चों की तुलना में असामान्य होता है इस रोग से पीड़ित बच्चों का विकास तुलनात्मक रूप से धीरे होता है साधारण बच्चा जब माह का होता है, है। तब से ही वह अपनी को पहचानने लगता परंतु आर्टिस्टिक बच्चे या तो बोल नहीं पाते या अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते हैं सामान्य बच्चे पारिवारिक लोगों से मिलने पर मुस्कुराते हैं पर आर्टिस्टिक बच्चे न तो कोई प्रतिक्रिया देते हैं और न ही किसी के आने या जाने से परेशान होते हैं ये अपनी दिक्कतों के प्रति कोई क्रिया नहीं करते और उससे बचने की कोशिश भी नहीं करते कभी कभी इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी भी दिखाई देती है। नहीं, नहीं। आज आर्टिस्टिक मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है क्योंकि अभी तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं हो पाया है हालांकि इस बीमारी में बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है डालो? बताओ डालना है? ज़रूरतों के आधार पर बिहेवियर स्पीच अथवा एजुकेशनल थेरेपी भी दी जाती है इनके लिए काफी सारे प्रोग्राम होते हैं जिससे कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कम दिक्कतों का सामना करना पड़े आंकड़े बताते हैं कि 2016 तक भारत में 10 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस विकार से प्रभावित हैं और डिसएबिलिटी की पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि भी हुई है रोग नियंत्रण और रोकथाम सीडीसी के मुताबिक आज प्रत्येक 88 बच्चों में से एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं ज्यादातर माता पिता अपने बच्चे की ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते और वे बच्चे की अनदेखी करने लगते हैं बता दें कि ऑटिज्म के रोगियों का जीवन काफी चुनौतीपूर्ण होता है इसलिए इनकी बोलती हुई खामोशी को जरूरत होती है प्यार की दुलार की और ऐसे लोगों के साथ की जो उन्हें समझ सके और इन स्थिति से बाहर निकालने में उनकी मदद कर सके राजेश मिश्र दूरदर्शन किसान अभी, अभी उनकी जगह वाकई में एक मार्मिक और ज्ञानवर्धक रिपोर्ट उस चुनौतीपूर्ण जीवन की जिसे ज़रूरत है खामोशी से बाहर निकालने की बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर शेफ मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आ, आम लोगों की भाषा में ऑटिज़्म हम कैसे समझे क्योंकि जिस बच्चे को भी ऐसी समस्या होती है उसे मानसिक बीमारी या इस तरीके से देखने की एक कहते सिस्टम सा है या फिर सामाजिक समस्या हम जिसे कैसे एक्सेप्ट एक नहीं कर पाते इसे कैसे हम आम लोगों की भाषा में समझें एक्चुअली एक ये मानसिक अवस्था है जिसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं उसके अंदर क्या परेशानी होती है मेनली दो परेशानियां हैं जो हमारे सामाजिक हाव भाव है उसमें गुणात्मक हानि होती है संचार की कमी होती है और ये बच्चों में धुरावनीय एक्टिविटीज होती हैं कोई चीज बार बार वो करते रहते हैं बेसिकली uh, अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो जनरली हम एक दूसरे के आंख की तरफ देखते हैं ये बच्चे आंख से आंख देखने से कतराते हैं hmm. अपनी चीजें बोल नहीं पाते या तो ये बोलना देर से शुरू करते हैं या अगर कुछ बोलना शुरू करते हैं तो वो शब्दावली वो भूल जाते हैं hmm. और जो uh, कुछ है इनके जो जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ खुद ही बात करते हुए पर दिस इज इन रिस्पॉन्स की जो मैं आपको बता रही हूँ तो या अपने पंजों पे चलेंगे या कोई बॉडी हिलाते रहेंगे आ, ये वाले और दूसरे एक है इनके कुछ फिक्स इंटरेस्ट हो जाते हैं अब आप कहो कि लड़कियों को पसंद है आ, कोई पर्टिकुलर डॉल पसंद है लड़कों को ड्रेसिंग कार पसंद है पर इनको होता है कि एक पार्ट ऑफ अ टॉय पसंद होता है पहिया ही है अगर ट्रक का उससे खेल रहे हैं या टॉफी के रैपर इकट्ठे करेंगे या सारे खिलौने लाइन से लगाएंगे तो बेसिकली जो हमारा जो समाज

आ, ये एक्चुअली दो चीजें हैं एक तो जागरूकता बड़ी है हम 2002 के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 50 से 100 मरीज आते थे पूरे साल में ऑटिज्म के और अभी हमारे पास पिछले साल में 600 नए मरीज आए हैं ऑटिज्म के एक साल के अंदर तो ये जो एविडेंस है वर्ल्ड वाइड भी है जो नहीं। नहीं। अभी जो यूएसए के फिगर्स हैं वो वन इन सिक्सटी है हर मतलब सत्तरवा बच्चा जो एट अगर बच्चे लगाएं उसने बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिज्म उन्होंने प्रोजेक्ट किया है हमारे यहाँ पे एक अनुसंधान हिंदुस्तान में जो हुआ था उसमें वन इन एटी नाइन बच्चों में मतलब हर नब्बे वाला बच्चा जो है उसको ऑटिज्म देखा गया था दो से नौ साल की उम्र में वो आ, अनुसंधान हुआ था तो ये फिगर्स बहुत हाई है और ये सिर्फ जागरूकता से नहीं बढ़ रहे हैं तो पूरा पूरा एविडेंस बताता है जो अनुसंधान चल रहा है कि एक्चुअली जो ऑटिज्म का जो विकार है उसके प्रेवलेंस बढ़ रहा है जी बिल्कुल जैसे डॉक्टर शेफाली आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी कि शुरुआत में ही अगर इसे इसके बारे में जानकारी हो जाए या पहचान लिया जाए तो आगे की जो जो राह है वो आसान हो जाती है और माता पिता को भी पता चल जाता है कि इसके लिए उन्हें क्या करना है डॉक्टर देवेंद्र मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो हमारे बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनकी इसमें क्या भूमिका हो सकती है और वो इस तरह के केसेस में क्या बताते हैं माता पिता को मुझे लगता है कि बाल रोग विशेषज्ञ जो है उनका एक महत्वपूर्ण इसमें रोल है उनका योगदान है इसको समझने में और इसको आगे इलाज के लिए प्रेषित करने में जब भी किसी माता पिता को बच्चे के विकास में कुछ असामान्यता अच्छा लगती है तो ज्यादातर बाल रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो बाल रोग विशेषज्ञ के पास कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको कि वो माता पिता से बात करके बच्चे के बिहेवियर के बारे में पता करेंगे और अगर उसमें उनको लगता है कि ऑटिज्म की कोई चांस है कि ऑटिज़्म हो सकता है तो उनको फिर वो तंत्रिका रोग विशेषज्ञ या न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे और थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे ऑटिज्म के डायग्नोसिस के लिए। और एक बार इस बीमारी का पता चल जाए कि ये बच्चे को बीमारी है तो उसके बाद उसको इलाज के लिए

नहीं कर पाते कि उनके बच्चे के साथ और इतने छोटी उम्र में दो साल तीन साल की उम्र में वो सोचते हैं कि शायद ये इसके कुछ चंचल है बच्चा जैसे कि आपने बताया कि हाइपर होते हैं कई बार आँखों में आग डालकर नहीं देखते हैं या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ तो कैसे हम समझें कि हमारा बच्चा जो सामान्य बच्चों से अलग है कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं इसके ये जो जो लक्षण है वो हमारे को बच्चे के पहले साल में ही हमें कुछ आ, 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 संदेशा मिल जाता है जैसे कि अगर छह महीने का बच्चा है वो आपकी तरफ देख के मुस्कुरा नहीं रहा है आंखें देखा के एक आठ दस महीने का बच्चा है वो उसके नाम को जब बुलाते हैं तो देख नहीं रहा है नहीं। उसके परेशानी हो सकती है छोटे बच्चे चाहते नहीं है

अजीब चीजें होती है जैसे खिलौने का एक हिस्सा को लेके पसंद करेंगे जैसे रैपर के बोला, जी जी। या टूथपिक्स बोला जी। या कोई चीजें हैं अब आप बोलोगे कि हर बच्चा हमेशा कभी ना कभी ये चीजें करता है परंतु जब ये चीजें अधिकतर समय रहे हाँ हाँ। और इसका दब वो प्रॉब्लम हो जाती जी, है। इसकी डिग्री जब एक्सीड कर जाती है ज्यादा ये बच्चे ऐसा अगर करने लगते हैं तो ध्यान देने वाली स्थिति होती है और जिन बातों के बारे में आपने बताया इस पर और मैं विस्तार से जानना चाहूंगी लेकिन फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे आपकी कॉल्स भी लेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे महका महका घर आंगन हरियाली से खिलेगा तन मन छत पर छोटी सी बगिया जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह नौ बजे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है तो आज हम बात कर रहे हैं ऑटिज्म के बारे में इसके लक्षण कारण और बचाव के बारे में और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आपकी कॉल्स का भी हमें इंतजार है आप हमारा टोल फ्री नंबर देख लीजिए लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर साथ साथ इसे फ्लैश करते रहेंगे इस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं इस बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से जी धर्मेंद्र जी बताइए क्या समस्या है हेलो धर्मेंद्र जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप हेलो हेलो मैम जी नमस्कार धर्मेंद्र जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है हेलो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे तक जी आ, आप मुझे सुन पा रहे हैं आप आज मैम बोलिए हेलो जी अपनी समस्या बताएं अपना सवाल बताएं आपकी आवाज आ रही है हम तक मैम जैसे दोस्त बोरिंग के पास से आरंभ होगा जी हेलो जी आ, अपनी बात रखें हेलो हेलो चलिए शायद हमारी आवाज़ तो हम प्रश्न को शामिल करेंगे डॉक्टर शेफाली जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी वो अजीब चीजें हैं जिन्हें हमारे जो पेरेंट्स हैं जो खासतौर पर जो पहली बार माता पिता बने होते हैं जिनका पहला बच्चा होता है उनके लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कैसे असामान्य है जी जैसे ये जो उसको आगे ले जाते हुए जो हम बात कर रहे थे उसमें और ये चीजें होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कोई है एक्टिविटीज ये करते हैं या रिपीटेडली या तो हाथ हिलाना या बॉडी शेक करना ये कई बच ये क्या होता है कि साबुन होता है साबुन को हम स्मेल तो नहीं करेंगे सूंघेंगे नहीं तो ये बच्चे कोई भी चीज उठा के उसको सूंघने की कोशिश करेंगे तो ये चीजें कई बार हमारे को हटके लगते हैं लेकिन उसके ऊपर लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं समझ जाएगा बच्चा बोल नहीं रहा है कोई बात नहीं माँ बाप भी देर से बोले थे ऐसे दादा दादी बोलेंगे तो उस चीज में ये चीजें इग्नोर हो जाती है फिर कई बार ये बोला जाता है दूसरों से घूम मिल के बैठ नहीं रहा अकेले है क्योंकि माँ बाप भी चुप थे मा, हाँ। माँ बाप भी मिलते जुलते नहीं थे किसी से तो ऐसा इसमें इग्नोर नहीं करना है जब भी आपको ये लक्षण लगते हैं कि अगर बच्चा देर से बोलना शुरू कर रहा है जैसे कि एक साल तक बड़बड़ा नहीं रहा है दो साल तक दो शब्द नहीं बोल रहा या कभी भी कोई शब्द बोलने शुरू किए और भूल जाए या कभी भी कोई अपनी चीज बताना नहीं चाह रहा किसी से सुन नहीं रहा है तो ये सारी चीजों के बाद या कुछ रिपीटेटिव धोरावनी एक्टिविटीज कर रहा है तो आप एक बच्चे के डॉक्टर को इमीडिएटली संपर्क करें तो वो जैसे आपको डॉक्टर मिश्रा ने बताया वो बच्चे को देखेंगे उनको लगेगा तो फिर वो आगे के उसके के उसके इन्वेस्टिगेशन लिए डॉक्टर मिश्रा आप इस पर क्या कहना चाहेंगे मैं दो तीन चीजें ये बोलना चाहता था कि कई बार जब माता पिता से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारा बच्चा बहुत अच्छा है हमसे नजर मिला के बात नहीं करता हमेशा नजर झुका के बात करता उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छी बात है लेकिन अगर ये चीज़ हमेशा जरूर माता पिता की इज्जत जरूरी है लेकिन अगर हमेशा वो कर रहा है और सभी के साथ नज़र मिला के बात नहीं कर रहा तो वो एक ऑटिज्म का लक्षण हो सकता है और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर कभी कई बच्चे करते हैं और कभी कभी छोट जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तभी तरह तरह के विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करते हैं जो कई बार हमें अजीब लगती है लेकिन अगर वही एक ही तरह की एक्टिविटी बार बार करता है तब वो जरूरी है कि उसके बारे में सोचा जाए और आगे ठीक है जानकारी लीजिए रविंद्र एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जी रविंद्र जी बताइए सवाल हेलो जी रविंद्र जी सवाल बताएं हाँ मेरा ब, बच्चा ऑटिज्म है तो वो आंखों से आंख मिला के बात नहीं करता और वो डरता भी है तो क्या ये इसका इलाज है क्या कितनी उम्र है आपके बच्चे की बारह साल बारह साल जी मैम कुछ पूछना चाहती हूँ कब आपको पता चला था कि आपके बच्चे को ये परेशानी है जब ये ढाई साल का था हाँ जी, तब मेरे को पता चला कि ये क्योंकि ये उस टाइम एक तो ये बोल नहीं सकता था दूसरा ये हाइपर रहता था हाँ जी, तो ये ज्यादातर ये बर्तनों से खेलता था उस टाइम हाँ, तो ये मैंने एम्स में भी दिखाया था हाँ जी, तो उस टाइम कुछ फर्क नहीं पड़ा ऐसा है कि आपको, न, आ, से आपको जाता है, कुछ इनको पढ़ाने के लिए जैसे होता है आपको बताते हैं हम लोग इंटीग्रेशन स्ट्रक्चर टीचिंग अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस सारी चीजें होती हैं उनको जोड़ के एक बच्चे के लिए इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम बनाया जाता है जो कि आपको फॉलो करना होता है और एक बार दिखाने से फायदा नहीं होगा आप आइए हमारे ऑटिज्म क्लिनिक में दिखाइए उसके बाद उसको आपको आके तीन तीन महीने में दिखाना पड़ेगा चीजें री इनफोर्स करनी पड़ेंगी और जैसे कि आपको बताया कि अगर हाइपर एक्टिविटी है बहुत ज्यादा या दौरे की प्रॉब्लम है या नींद आने की प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा तोड़फोड़ है तो उन सबके लिए कुछ टाइम के लिए दवाइयां भी दी जाती है टू हेल्प द चाइल्ड तो ऐसा नहीं है जड़ से जो ऑटिज्म का जो इलाज है वो नहीं हो सकता जड़ से नहीं उठ सकती लेकिन जो भी परेशान है, उनका हल है इसलिए आपने हिम्मत नहीं है, आना है, जाना है। जी। शेफाली, ये कि जैसे कि हमारे दर्शक थे बारह साल का हो गया और जब ढाई साल का था तब इन्हें पता चल गया था कि इस तरह की समस्या है तो सही समय क्या है कब से बच्चे का इलाज शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि छह सात महीने से ही ऐसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं जी, जनरली जब हम दस पंद्रह साल पुरानी बात हैं तब हमारे पास जो बच्चे आते थे जनरली वो तीन साढ़े तीन चार साल की उम्र में आते थे जो जब आ, जब वो प्री स्कूल में जाने लगते थे या कुछ लगता था लेकिन अभी जब पेरे जागरूकता बढ़ने से अब हमारे पास डेढ़ दो साल के ऊपर दो ढाई तक आ रहे हैं बच्चे और अभी हम देख रहे हैं कि वो पहले साल में भी सस्पेक्ट किया जा सकता है इनफैक्ट जो अमेरिकन अकेडमी है पीडियाट्रिक्स की वो तो कहते हैं कि जब भी बच्चा नौ महीने का हो रहा है और बारह महीने अठारह महीने उनके ऊपर जो स्क्रीनिंग टूल्स है जो एक पीडियाट्रिशियन जिनके पास वो इम्यूनाइजेशन इंजेक्शन के लिए आते हैं तो वो पूछे कि बच्चे के हाव भाव में ये सब में कोई परेशानी तो नहीं है ताकि इनको जल्दी पकड़ा जाए जी जी. जब हम जल्दी पकड़ते हैं तो उसमें दो चीजें देख हाँ, जी जी. तो उसमें एक चीज आपको बताना चाहूंगी जो बात अभी मेंशन नहीं हुई है हुँ. कि ऑटिज्म ना लड़कों में साढ़े चार टाइम ज्यादा लड़कियों से पाया जाता है उसका एग्जैक्ट कारण नहीं है क्लियर और जो ऑटिज्म का जो बच्चे का डायग्नोसिस जब हम कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है की डायग्नोसिस के लिए कोई हमें फैंसी कोई टेस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है पेरेंट्स से पूछ के बच्चे का बिहेवियर जो घर में है और उनको देख के हमारे डॉक्टर के सामने जी हाँ जी वो डायग्नोस कर सकते हैं पर जो कुछ टेस्ट इंडिकेटेड होते जी हैं जी। वो इसीलिए होते हैं कि देखने के लिए कि और क्या कारण जुड़ा हुआ है ऑटिज्म जी डॉक्टर मिश्रा मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि जैसा की अभी डॉक्टर शेफाली ने बताया की इनके हाव भाव अलग होते हैं अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं और ये एक रोग नहीं लेकिन एक तरह की समस्या विकार हम इसे हम कह रहे हैं और हमारी कोशिश भी है कि इसको एक इस कैटेगरी में ना डाला जाए ताकि एक जो बच्चे के साथ जुड़ जाती है कि जो सामाजिक वो घुल नहीं पाता सामाजिक तौर पर ये चीज मानसिक कमजोरी का लेबल लग जाता जे, है जे, जो जे, हम नहीं चाहते हाँ, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इन बच्चों की भावना को समझे कैसे क्योंकि आपने बताया कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन क्या इनमें अच्छा सवाल है और इसके बारे में हमें ये सोच देखना पड़ेगा कि ये बच्चे अपने मन की बात शब्दों से नहीं या इशारों से नहीं बता पाते लेकिन अगर इनसे अच्छी फ्रिक्वेंसी से हम अपना सामंजस्य स्थापित करें तो ये अपनी सब जरूरतों को बता देते हैं हुँ। और हुँ। इसके लिए जो थेरेपी होती है जो बिहेवियरल थेरेपी होती है उसमें जब काफी दिन तक ट्रेनिंग के साथ करते हैं हेलो हेलो हाँ जी जी परमजीत जी बताइए सवाल क्या है हमारा सवाल है की हमारे बच्चा हुआ था ना हम्म ना की रोया बोलना देर से शुरू किया

अच्छी नहीं, तो तो नहीं अच्छा है साथ... सब कुछ वो सही है, जब ने बोला था, जब है ना बच्चे तो जन्म के टाइम में जो सप्लाई होती है दिमाग में वो कम हो जाती है टेंशन रहता है तभी आपको बोला था की देर से चलेगा अभी सब कुछ जब हो गया है तो बहुत अच्छी बात है और वो आगे उसका विकास ही होगा और आप उसको अभी जाके प्ले स्कूल में डाल के फिर बाद में स्कूल में डालिए तो कोई नुकसान नहीं होगा अच्छा है आपका और ये ऑटिज्म से रिलेटेड नहीं है वो जन्म के टाइम देर से रोने की प्रॉब्लम थी पर भगवान की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है तो आगे सही चल। 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 चलेगा बहुत अच्छी बात है और डॉक्टर रमेश मैं ऐसे जाना चाहूंगी कि आमतौर पर हम क्या समझे कि कितने आ, कितनी उम्र में या कितने महीने में बच्चे को कौन सी एक्टिविटी करना चाहिए क्योंकि कई बार यही होता है कि अरे लड़कियां जल्दी चलना शुरू कर देती हैं लड़के देर से चलते हैं इनके पिताजी भी लेट बोले थे तो इनका बच्चा भी लेट बोलेगा तो क्या स्टैंडर्ड है कि कितने समय में बच्चे को क्रॉल करना शुरू करना चाहिए कितने समय में वो चलने लगे और कब तक वो बोलना शुरू कर दे जी हाँ इसमें कुछ जो खास बातें मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर शेफारी ने भी पहले बताई थी फिर से बत, बोलना चाहूँगा अगर हम पीछे से चलें तो करीब दो साल पे दो शब्दों वाले वाक्य बच्चे को बोलना चाहिए और इनका ये मतलब नहीं कि आप बोलें तो आपके पीछे बोले अपने इस्तेमाल के लिए वो आप दो शब्द के वाक्य बोलें अठारह महीने पर कम से कम एक शब्द बोल रहे हों एक साल पर नाम से रिस्पॉन्ड कर रहे हो उनको नाम पर बुलाने पर बोल रहे हो और बैबलिंग चालू बैबलिंग मतलब कुछ शब्द बनाने के बोलने की कोशिश करनी शुरू कर दी और करीब आठ नौ महीने तक इशारों से बात करने लगे अगर इशारे आप चाहे बाय बाय का इशारा है नमस्ते का सलाम का है नौ महीने में होना तो चाहिए। वो चीजें शुरू हो जाने चाहिए अगर ऐसी नहीं है तो आपको कुछ, कुछ जरूर चिंता होनी चाहिए और 18 महीने पर माना जाता है कि 18 महीने पे अगर आप एक एम चार्ट नाम का टेस्ट होता है जिसमें माता पिता से ही पूछा जाता है कि बच्चा क्या क्या करता है उसके द्वारा आप ऑटिज्म को जल्दी पिक कर सकते हैं लेकिन उससे पहले भी ऐसा नहीं कि 18 महीने तक इंतजार करें अगर ये कमियां लग रही हैं आपको तो एक बार दिखा लेने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए और बीमारी जितनी जल्दी पकड़ में आ जाए जैसा डॉक्टर साहब ने बताया उतना ज्यादा फायदा होता है इंटरवेंशन जी डॉक्टर शेफाली अब ये हमें जानना होगा कि ये तो बात रही कि लक्षण क्या होते हैं माता पिता कैसे इसे समझे लेकिन जिन जिनके परिवार में इस तरह की समस्या है वो इसी आस में रहते हैं कि एक ब, एक दिन बच्चा ठीक हो जाएगा एक दिन बच्चा ठीक हो जाएगा उम्र बढ़ने के साथ तो ये ये भले ही कटू सत्य है लेकिन ये हमें समझाया कि क्या इस तरह के बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं क्या वो सामान्य जीवन जी जीव सकते हैं उम्र बढ़ने के साथ एक चीज हमें समझनी चाहिए कि अगर किसी को ऑटिज्म है और वो हमने डायग्नोस हुआ है ऑटिज्म तो वो सारी उम्र भर ऑटिज्म रहता है पर आप उसको ये एक डेथ सेंटेंस नहीं समझेंगे जो परेशानियां जो हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये नहीं है कि हर बच्चे में हर परेशानी हो ये बच्चे भिन्न हैं और सामाजिक हावभाग में परेशानी है पर हर बच्चे में हर लक्षण नहीं होते दैट hmm. एक ही समझना चाहिए और हर बच्चे में हर इंटेंसिटी uh, के नहीं होती इतनी सारी सिवियरिटी नहीं होती प्रॉब्लम की मोस्टली hmm. जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनमें दिमाग से सम जो क्षमता है वो समझ की क्षमता कम होती है मोस्टली जो बच्चे आते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ऑटिज्म में जिनमें उनकी कुछ 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 एरियाज में समझ समझ ज्यादा होती, जादा जिनको होती। है जिनको सेवन क्वालिटीज कहते हैं कई लोग वो किसी कोई तारीख बताओ किसी भी सन की तो वो बता देंगे कौन से डे को हुआ था बुधवार था या शनिवार था आप पचास साल पहले के भी बता दो तो कुछ कुछ होते हैं कैलकुलेशन करेंगे कुछ कंप्यूटर में करेंगे मतलब कुछ कुछ होते हैं लेकिन जो अधिकतर होते हैं बच्चे उनमें समाज समझ थोड़ी सी कम होती है अब परेशानियां रहती हैं लेकिन हर उम्र से परेशानियां अलग अलग होती हैं शुरू में जब बच्चा है तो हमें उनको दिखा ये सिखाना होता है कि वो अपनी जो चीजें हैं वो कम्युनिकेट कर पाए सीखना शुरू करे नहीं। ताकि नहीं। हम उसको स्कूल में डालें स्कूल में हम ये कोशिश करते डालते हैं अब जब बच्चे होते हैं वो कई बार होते हैं वो इतने चंचल होते हैं वो बैठते नहीं है नहीं। तो फिर इसीलिए हम कहते हैं कि जब स्कूल में जा रहे हैं तो साथ में माँ जाए थोड़े दिनों के लिए फिर नहीं तो कोई शेडो टीचर जो जाके बच्चा वहां पे स्थिर बैठ सके कोशिश ये रहता है की स्कूलिंग में जाए मेन स्ट्रीम में हो जाए बिल्कुल मैं बात करूंगी की कई बार जो स्कूल जो है वो भी आना कानी करते हैं और जो आपके पास पड़ोस के बच्चे होते हैं माँ बाप चाहते कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा बच्चा ना खेले कहीं उसको कोई चोट ना नुकसान ना नुकसान पहुंचाए इस बच्चे का असर हमारे बच्चे पर कहीं ना पड़े दर्शक उत्तर प्रदेश से आई उनसे बात करते हैं हेलो राकेश जी क्या मुझे आपके कारण क्या क्या है जी राकेश जी आज इस कार्यक्रम में मुझसे के बारे में बात कर रहे हैं आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा आज का विषय यही है और अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे राकेश जी आप कहीं मत जाइएगा कार्यक्रम देखते रहें आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे फिलहाल छोटा सा ब्रेक कौन कौन सी है सरकारी योजनाएं कैसे उठाएं इनका लाभ जानिए अपने गांव का हाल देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह नौ बजे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम ऑटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं और ऑटिज्म यानी जब बच्चों का मानसिक विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है आम बच्चों से थोड़े वो अलग होते हैं अपनी बातें नहीं कह पाते हैं अनमनी से रहते हैं अपने आप में खोए रहते हैं इस इसे हम ऑटिज्म कहते हैं बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं इसी पर हम बात कर रहे हैं और कैसे आप इन बच्चों को और बेहतर बना सकते हैं ताकि वो अपना जीवन सुगम तरीके से जी सके इस पर हम बातचीत को आगे बढ़ाएँ आपकी कॉल्स का भी मैं इंतज़ार रहेगा डॉक्टर शेफाली जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि इस तरह की भी समस्या आती है कि स्कूल में एडमिशन नहीं देना या फिर जो पड़ोस के बच्चे होते हैं वो अवॉइड करते हैं माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चों को नुकसान हो सकता है तो ये बताएं ये बच्चे कितने सामान्य होते हैं कि आम बच्चों के साथ ये पढ़ सकें उनके साथ खेल सकें उनके साथ बड़े हो सकें एक्चुअली uh, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमारे बच्चे को परेशानी है तो हम समझ रहे हैं लेकिन जो बाकी लोग हैं बाकी पेरेंट्स हैं वो लोग नहीं समझते हैं उनको, उनको पता नहीं होता कि क्यों है सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ऑटिज्म क्यों हो रहा है ऑटिज्म एक छुआछात की बीमारी नहीं है और आप अगर आपका बच्चा किसी ऑटिज्म के बच्चे के साथ है तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी बलिस्मत उसको और समझ आएगी कि बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं और उसकी अपनी समझ और क्षमता मेच्योरिटी बढ़ेगी जो ऑटिज्म है, उसमें कुछ कुछ अनुवांशिक कारण होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं अनुसंधान चल रहा है अभी भी अनुसंधान जा रही है परंतु ये पक्का है कि बच्चे के साथ खेलने से या बच्चे के साथ बैठने से कुछ, वो, कोई, कुछ कुछ, कुछ वो नहीं होगा तो वो स्कूल में हमें कोशिश करनी है हमें ये समझना है कि वो बच्चा अगर आपने तारे जमीन पर पिक्चर देखी थी उसके अंदर वो ऑटिज्म नहीं था उसको लर्निंग डिसेबिलिटी थी पर फिर भी वो बच्चा था वो बहुत ज्यादा उठल पुटल कर रहा था उसको समझ नहीं आ रही थी सब लोग फादर भी उसको डांटते डांट थे पापा डांटते थे कि जानबूझ के नहीं कर रहे हैं हमें ये समझना है कि ये बच्चे भी भिन्न है ये जानबूझ के ऐसे हाइपर नहीं हो रहे हैं इनको परेशानी हो रही है अपनी चीज कम्युनिकेट करने के लिए समझ नहीं आ रही है तो ये एक परेशानी है ये इनका ये बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है कि आप उसको मारपीट करें आप समझ रहे हैं समझना चाहिए कि बच्चे में यानी सबको समझना चाहिए कि इस तरह की समस्या हो सकती है तो इन्हें आम बच्चों के साथ स्कूल में ये जा सकते हैं उनके साथ खेल सकते हैं ऐसा तो कुछ जाना नहीं। चाहिए और तो बहुत जरूरी है आप देखते हैं टॉपर ही रहते हैं और कुछ फाइल होते रहते हैं हमेशा तो वो आप बताओ फेल वालों को आप उनको नॉर्मल समझ रहे हैं और ये नहीं अच्छा मैम यहाँ पर ये भी बताइए कि कई बार जो स्कूलों में हम देखते हैं कि स्कूल जो टीचर्स हैं स्कूल वाले भी नहीं समझते समस्या को तो अगर तरह की समस्या आती है हमारे जो जो माता पिता हैं जिनके बच्चों के साथ ही एक है स्थिति तो वो क्या करें आजकल रूल के हिसाब से लॉ के हिसाब से हर स्कूल को इंक्लूसिव एजुकेशन करने है, इन बच्चों को मना नहीं कर सकते इनको मना नहीं कर सकते हैं अगर कोई पर, परेशानी आती है तो कमिश्नर डिसेबिलिटीज को ये कंप्लेन कर सकते हैं कोई आपको पहुंचने में परेशानी आती है तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं हम आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं पर हमने हमारा ये जन्म अधिकार है हर बच्चे का जन्म अधिकार है एजुकेशन के लिए अगर कोई बच्चा भिन्न है ना उसकी गलती है ना उसके माँ बाप की गलती है ठीक है राधा एक कॉलर है मध्य प्रदेश से, से बात करते हेलो हाँ मैम जी नमस्कार राधा जी सवाल बताएं आ, सवाल ये कि मेरी बच्ची है चौदह महीने की हाँ तो मेरा सवाल ये कि मेरी बच्ची है चौदह महीने की जी तो ये देर बात को समझ कम पाती है और एक हाथ से कम चलाती है एक पैर कम चलता है और हाँ। बिठाते हैं तो थोड़ी छुप के बैठती है जी। और कुछ पूछना चाहते हैं? तो हम चाते सभी चाते हैं बस हम बोलते हाँ। तो बात कम सुनती है उसके खेलने उन्होंने कुछ बताया है आपको। हाँ दिखाया ना, वो बोलते कि ऐसा दिमाग से एम आर आई भी करवा ली एक्सरा भी करवा लिया बैठने में तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले से है आप उज्जैन जिले से मैडम जन्म के टाइम कोई परेशानी हुई थी क्या जन्म के टाइम एकदम से रोई थी या देर से रोई थी हाँ मैडम रोई थी वो तो देखिए आपको नजदीकी सरकारी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाना पड़ेगा जिस तरह से आप बता रही हैं बच्चे का जो विकास है वो अपनी उम्र से कम है और इसमें कई तरह के कारण होते हैं जन्म में के समय ऑक्सीजन या खून की दिमाग में कमी अथवा किसी तरह का दिमागी रोग भी हो सकता है जी जी। तो वो देख के ही आपको बता पाएंगे की सामान्य से कितना पीछे और क्या कारण जी पर आप इंतजार नहीं करिए कि सही हो जाएगी आप चीज दिखाई क्योंकि कुछ कारण हो सकते हैं तो आप उसको बिल्कुल अच्छी बात यह है की ये काफी जागरूक भी नजर आ रही है और ये इस बात को लेकर चिंतित है डॉक्टर

ये खाने या ये ना खाने से दिमाग पे असर पड़ेगा ये सब भ्रांतियां हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ चीजें खिलाने से या कुछ खाने में कमी रह जाने के कारण बच्चों को किस, किसी प्रकार की बीमारी हुई है। ये अवश्य है जैसा कि राष्ट्रीय प्रो, प्रोग्राम भी है कि माता को जो में के दौरान आ, पूरा पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए और जो उनकी एंटीनेटल केयर है डॉक्टर को दिखाना चाहिए आयरन फोलेट की टेबलेट मिलनी चाहिए हुँ, हुँ, उसके सिवा ऐसा कुछ एक्स्ट्रा खिलाने से कुछ पर्टिकुलर बीमारी हो जाए या किसी चीज की कमी से ऐसी बीमारी हो जाए ऐसा नहीं है जी, साथ ही हमें यह समझना चाहिए कि क्योंकि ऑटिज्म या, के बारे में हम अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है बहुत रिसर्च के बावजूद भी कि एग्जेक्टली क्या कॉज है जिसका के कारण ऑटिज्म होता है तो ये की बच्चे में इस तरह की समस्या हो सकती है या फिर जो टेस्ट वेस्ट कोई है क्या इसके जी नहीं ऐसा बहुत ही रेयर अगर हम छोड़ दें कोई कोई बीमारी जिनका पता चल सकता है बाकी ऑटिज्म में ऐसा नहीं है कि हम गर्भावस्था के समय कुछ पता लगा सके कि आगे ऑटिज्म होना है डॉक्टर शेफाली बहुत सारे की तरह की भ्रांतियां भी हम देखते हैं कि ऑटिज्म के बारे में क्योंकि पूरी तरीके से जैसा कि आपने खुद कहा कि अभी इसके बारे में जागरूकता नहीं है जानकारी भी नहीं है अनुसंधान चल रहे हैं और जिसे जो बताया जाता है वो उसी लाइन पर चल पाता है कि चलने लगता है जैसे कई बार हम कहते हैं कि फूड हैबिट्स इन बच्चों की अलग होती है इनको डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देने चाहिए इनको दही ना खिलाएं इन्हें बहुत मीठा ना खिलाएं तो ये कितना सही है और क्योंकि माँ बाप भी जो सुनते हैं वही करने लगते हैं तो इसके बारे में भी थोड़ा सा क्लियर करें ऐसा है डाइट के हिसाब से जो भी ये बच्चे हैं आप समझो कि थोड़े भिन्न हैं लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं तो उनका जो हेल्थ के इश्यूज है उनका जो खाने का पौष्टिक आहार है पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे चाहिए वो देने चाहिए वो उनसे डायरेक्टली हाइपर का कनेक्शन नहीं है पर हाँ जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर कुछ अनुसंधान चल रहा है कुछ फीचर्स हैं कुछ शायद फायदा हो लेकिन अभी भी वो अनुसंधान लेवल पे है क्योंकि आप जरा एक चीज का ध्यान रखिए कि जो ऑटिज्म बीमारी है वो सारी उम्र रहेगी तो आप ये नहीं कर सकते कि आप सारी चीजें अपने आप के हिसाब से चेंज करते जाए कोई महीने महीने की तो प्रॉब्लम नहीं कि आप कुछ चीज रोक दें है ना तो ये पूरी जब तक हमारे पास पूरा एविडेंस नहीं है अनुसंधान के बाद तभी तक हम नहीं उसको कर सकते तो अभी आप नॉर्मल पौष्टिक आहार दीजिए बाकी का अनुसंधान जारी है जैसे आपको पता चलता गया गुरविंदर कौर है एक दर्शक आइए बात कर लेते हैं उनसे हेलो गुरविंदर जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप जी क्या सुन रही है आप मुझे हाँ जी हाँ जी सुन रहे हैं। जी जी बताइए सवाल बताए हाँ जी बच्चा अ, मेरा पोता है और कनेडा में है और उसकी उम्र है दो साल चार महीने जीता है दो और में है। हाँ जी तो, उसके हाँ वो अभी तक बोल नहीं रहा है और फिर मम्मा पापा कह रहा है और सभी कहते हैं कि लेट है बोलने में ऐसा सुन कोई प्रॉब्लम है ठीक है जी डॉक्टर साहब लेट बोलने की जो समस्या है क्या इसे इसे हम इसे एक लक्षण की तरह है देख लें क्योंकि कई बार हम देखते भी है, कि सब कुछ होता है लेकिन कुछ बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं जी हाँ एक बहुत जरूरी लक्षण है क्योंकि हाव भाव में जो असामान्यता होता है कई बार माँ बाप से को पता नहीं चलती है खासतौर पे जो पहली बार के माँ बाप हैं लेकिन बोलने में सभी का ध्यान रहता है कि बच्चा बोल कब रहा है बाकी बच्चों के मुकाबले और अगर बोलने में देरी है तो जरूर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अगर सुनने की कोई परेशानी नहीं, नहीं है पता चलती जांच में तो ज़रूर ये हो सकता है कि कुछ अंदरूनी बीमारी हो लेकिन ये जो डॉक्टर हैं वो खुद देख के आपको बता पाएंगे अभी सिर्फ आप बस सोच के नहीं कर सकते कि ऑटिज्म हो। आपको लेके जाना चाहिए और एक चीज ध्यान है तो वो बच्चों के डॉक्टर को जो दिखा रहे हैं उसको दिख ही नहीं रहा है तो ये दोनों चीजें डॉक्टर शेफाली हम अब ये भी बताइए हमें क्योंकि कई बार हम देखते हैं ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कहते हैं कि आप स्पीच थेरेपी भी दे तो ये स्पीच की समस्या है दिमाग की समस्या है क्या है या फिर ऐसे बच्चों को स्पीच थेरेपी दिलानी भी चाहिए शब्दावली ऐसा है आप देखिए जैसे छोटा बच्चा होता है जैसे उसमें बड़ा होता है तो उसमें एक शारीरिक विकास होता है और एक ये मानसिक विकास होता है तो ये एक्सिकली प्रॉब्लम मानसिक विकास के अंदर प्रॉब्लम है उसमें स्पेसिफिकली जो ये आपका जो सामाजिक अभाव और संचार और बोली का और ये जो बिहेवियर के इशूज हैं जो स्मेल करना या बिहेवियर वो सारी चीजें हैं तो जो इसमें जब ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसको होलिस्टिकली देख के बच्चों के दिमाग के डॉक्टर करते हैं पूरा प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें सारी चीजों का कॉम्पोनेंट आता है ये आई कॉन्टेक्ट बताना बातें करने का बोलना वो सारा एक प्रोग्राम बनाया जाता है तो अलग से स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाने की अलग से जरूरत नहीं है पर अगर उसको स्पेसिफिकली कुछ चाहिए होगा तो अपने आप ही वो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आपको बता देंगे शाना आपको पहले मानसिक विशेषज्ञ के पास चाहिए ताकि वो बच्चे को पूर्ण रूप से देखे सिर्फ उसकी बोली को नहीं देखेगा यानी हर एक बच्चे की अलग अलग जरूरतें हो सकती हैं ठीक है अभी रोहित है हमारे साथ एक दर्शक राजस्थान से आइए बात कर लेते हैं हेलो रोहित क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप हाँ जी जी रोहित जी बताइए सवाल मैडम क्या मेरी बेटी हुई थी मतलब तो उस स्टार्टिंग में क्या नाम थोड़ी लेट लेट रोई थी तो हमने इसको चेकअप करवाया था मैंने ईजी भी करवाई है ऑक्सीजन की कमी बताई थी तो, तो नॉर्मल आई थी इसकी तो उस, उसके बाद क्या उन्होंने हमारे को फिजियोथेरेपी बोली थी तो इसकी फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ मैं लगभग लग फोर मंथ हो गए मेरे को जी जी अभी एक साल की हो गई है पहले से इसके बिल्कुल जो बिल्कुल जो भी हाथ नहीं उठाती थी अब पहले से हाथ वगैरह तो उठाने लग गई है की मूवमेंट भी पर बैठ नहीं पाती अभी है ठीक है ठीक रोहित जी आपका प्रश्न हमने जान लिया है और इसका जवाब मैं शेफ अली जी ब्रेक से ब्रेक के बाद लूंगी क्योंकि कई बार हम ये भी देख लेते हैं कि सिर्फ मानसिक समस्या है लेकिन क्या इस, इसका फिजिकल एक्टिविटीज पर भी असर पड़ सकता है फिजिकल डेवलपमेंट पर किस तरह का असर होता है जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद कामयाबी है अन्नदाता की एक कहानी है खेत और खलिहानों की कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल जानिए गांव गांव के किसानों का हाल देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर तो बारह बजे ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है तो शेफाली एक कॉलर थे रोहित हमारे दर्शक राजस्थान से उन्होंने कुछ बातें बताई तो आ, क्या बताना चाहेंगे उन्हे? जो ये जन्म के टाइम की जो प्रॉब्लम थी ना उसके अंदर ये हाई रिस्क बच्चा हो जाता है उसके अंदर जो मैंने पहले भी बताया था कि जो ब्रेन में डैमेज की पॉसिबिलिटी होती इसलिए आपको बताया था इजी है तो दौरे नहीं पड़ रहे हैं एक बार एमआरआई भी कराना सही रहता है तो अंडरस्टैंड कि अंदर दिमाग में सारा एरिया सही है हुँ. अभी इंप्रूवमेंट हो रही है तो वर्जिश करानी है साथ में मल्टी सेंसरी स्टिमुलेशन कहा जाता है उसको उसमें हुँ. जैसे जो बाकी बच्चे अपने खिलौने वगैरह पकड़ते हैं खेलते हैं हुँ. आपने इनके साथ अगर इनका एक तो विजन देखने का और सुनने का टेस्ट जरूर कराना है ताकि हमें पता चले कि सब कुछ सही है तभी बच्चे का आगे मानसिक विकास होगा वन ये नंबर वन वाली बात है नंबर टू बात ये है कि जो सारी चीजें जो बाकी बच्चे करते हैं आपको खुद इसको मेहनत करके करानी है सारा जो इससे बात करनी है ज्यादा सारे खिलौने

कम किया जा सकता है या फिर इन बच्चों को कुछ मेडिकेशन वगैरह बताया जाता है क्या होता है देखिए दवाओं का इस बीमारी के इलाज में एक महत्वपूर्ण रोल है लेकिन इसको ठीक नहीं करने के लिए ऑटिज्म बीमारी के लिए कोई दवा नहीं है दवाओं का जो काम है वो खासतौर पे ऐसा है जैसे मैंने पहले भी बात करी थी कि कुछ और बीमारियां या परेशानियां साथ में होती हैं जिनका इलाज किया जा सकता है कई बार कॉन्स्टिपेशन होती है दौरे की बीमारी होती है कुछ को हाइपर एक्टिविटी होती है और इतने हाइपर एक्टिविटी होती है कि आप थेरेपी के दौरान बैठ ही नहीं पाते कि उनको कुछ सिखाया नहीं जा सकता तो उन सब चीजों के लिए जरूर उपलब्ध है इससे इलाज में सहायता मिलती जी डॉक्टर शिफाली हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात कर रहे हैं स्पीच थेरेपी के बारे में भी आपने बताया कि अलग तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और अर्ली इंटरवेंशन जिसे कहते हैं कि कम उम्र में ही ध्यान दिया जाना और उन्हें सही तरह की ट्रेनिंग देना लेकिन ये ये कहाँ उपलब्ध है क्योंकि जागरूकता नहीं है और जहाँ पर हम देखते हैं बड़े शहरों में अगर इसके ट्रेनर्स हैं भी ऐसे डॉक्टर्स हैं भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तो बहुत महंगा पड़ता है वो तो इसके बारे में भी थोड़ा हमें एक्चुअली अभी गवर्नमेंट में आ, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स बनाए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने तो वहाँ पे सारे विशेषज्ञ उपलब्ध हैं जो ये डायग्नोज कर सकते हैं जो इसका निदान कर सकते हैं और बाकी आगे का मैनेजमेंट गाइड कर सकते हैं दूसरा नेशनल ट्रस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का उनके दिशा सेंटर्स हैं वो भी लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे हैं जहाँ पे ये अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज अवेलेबल हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थेरेपिस्ट के पास पहले नहीं जाइए आप पहले बच्चों के डॉक्टर फिर बच्चों के दिमाग के डॉक्टर के पास जाइए फिर इसका प्लान बनता है पूरा डिपेंडिंग उस बच्चे में क्या मुद्दे हैं और उसके लिए आपको भगवान शर्मा एक दर्शक है ऐसा हाँ जी जी है एक मेरा पोता है नौ साल का कंफर्म्ड है वो वालों ने उसे नब्बे का इतनी बताया है अब समस्याएं जो आ रही है एक तो इतनी ग्रोथ हुई है नौ साल में इसकी ग्रोथ काफी हल्की है दूसरा खाने के अंदर बहुत ही चूजी है अच्छा और तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि नौ साल के बावजूद कोई विजिबल इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा उसके अंदर जी फिजिकल इम्प्रूवमेंट नहीं है विजिबल 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 अच्छा 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 ठीक है डॉक्टर शेफाली क्या है ये एक्चुअली आपसे पहले बताया था कि हर बच्चे में सारे लक्षण नहीं होते और लक्षण की सिवेरिटी नहीं होती तो अगर आपके बच्चे में में जो जो आपने अभी परसेंटेज भी बताया है डिसेबिलिटी के में किया होगा तो दैट मीन्स परेशानियां काफी ज्यादा है तो लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है आपको लेकर आना है बच्चे के दिमाग के डॉक्टर के पास आपके बच्चे की जितनी क्षमता है उसके हिसाब से उसका बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान करना है और जितनी उसकी समझ है अगर वो नॉर्मल स्कूल में जा पा रहा है अभी कि नहीं कि आप स्कूल जा रहे हैं किसी प्रकार के स्कूल में जा रहे हैं कि नहीं नहीं जा रहा एक छोटा सा वो मेंटली रिटार बच्चों का स्कूल है उसमें भेज रहे हैं। अच्छा आप वहाँ जहाँ भेज रहे हैं ना तो अभी पहले एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए ताकि पता चलेगा आ, उनके बारे में हम गाइड कर सकते हैं कि क्या इसके साथ कुछ और ट्रीटमेंट क्या करना है फिर ये है जो भी इसकी रुचि है और इसकी समझ है उसके हिसाब से उसको वोकेशन चाहे वो पॉटरी मेकिंग है या पेंटिंग है कुछ भी है उसके अंदर उसको लगाना होगा तो ये आप विजिबली एक्चुअली जितनी हम मेहनत करते हैं इन बच्चों में अगर हम माँ बाप सबसे ज्यादा एक चीज याद रखनी है कि सबसे ज्यादा जो मेन स्टे है ट्रीटमेंट में फैमिली है तो आप मेहनत जो करते हैं सौ की हमें रिजल्ट सौ नहीं मिलता है हमें सिर्फ 20 मिलता है तो हिम्मत नहीं रही है डॉक्टर देवेंद्र इन बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट कैसा रहता है क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि क्योंकि मैम ने भी बताया कि कितना कितनी डिसबिलिटी है ये भी डिपेंड करती है कई बच्चे बहुत स्वस्थ दिखते हैं अच्छे से उनका जो शारीरिक विकास भी हमें देखने को मिलता है और थोड़ा सा उनके बिहेवियर में फर्क रहता है तो क्या ये हर बच्चे के साथ, साथ, साथ परेशानी नहीं है लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं क्योंकि कुछ बच्चे हाइपर होते हैं कुछ बच्चों के खान पान की चूजी जो अभी उन्होंने बोला कि चूजी है बच्चा खाने में उसमें उनकी फूड प्रेफरेंस होती है एक ही प्रकार का खाना पसंद करते हैं उस कारण से इनमें पोषण की पोशन्ट की पोषक तत्वों कमी हो जाती है और कई बार डेवलपमेंट में परेशानी हो जाती है जी 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 डॉक्टर शिवाली ये बताएं अब हमें कि क्या ये बच्चे क्योंकि आपने बताया कि इनकी इन, इनकी समझ थोड़ी कमजोर होती है लेकिन हम हमने पढ़ा है कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी रही हैं जो कि ऑटिस्टिक रही हैं और उन्होंने बहुत आगे तक गए और आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है तो ये भी पता है हमारे दर्शकों को एक मैसेज के आ, माध्यम से भी हम कह सकते हैं कि ये बच्चे कितना आगे जा सकते हैं क्या ये आम बच्चों की तरह ही पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं इनकी शादी हो सकती है इनके बच्चे हो सकते हैं कुछ जीवन में बड़ा कर सकते हैं कुछ अलग कर सकते हैं जी डॉक्टर शिवाज हम जानते हैं कि आ, एल्बर्ट आइंस्टाइन मेरी क्यूरी न्यूटन मोर्जार्ट सबको ऑटिज्म हाँ। था इस पर इसका इससे हमें ये लेना है हमें इंस्पिरेशन लेनी है हमें इसे हौसला लेना है कि हमारे बच्चे कुछ कर सकते हैं लेकिन ये ना सोचे कि सब बच्चे इतनी ऊंचाई तक जा सकते हैं हर एक की मानसिक क्षमता अलग होती है तो हमारे को हमारा जो मेन क्या गोल है हमारा ये गोल है कि पूरा इंक्लूजन स्कूल में करें इंक्लूजन सोसाइटी में करें जो बच्चे की क्षमता है जो उसकी इंडिविजुअल क्षमता है उसके मुताबिक उसको एक हमारे सोसाइटी का नेशन का प्रोडक्टिव सिटीजन बनाए ताकि वो जितना हो सके अपने पैरों पर खड़े हो और उसका भी राइट है

डायग्नोस किया है उसकी मेडिसिन खिलाने से लगता है कि यानी नुकसान देगा तो तो किस तरीके से इसको डील कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं बिना मेडिसिन के Uh, जो आपको डायग्नोस ओसीटी uh, बोला है वो एक उन्होंने मेंटल इलनेस का डायग्नोसिस दिया है जबकि लेकिन ये जो ओसीडी वाला प्रॉब्लम है वो कुछ ऑटिज्म के बच्चों में भी OCD हो सकता है ऑब्सेसिव uh, डिसऑर्डर है तो उस uh, तो इसलिए आप एक uh, एक बार एक बच्चों के दिमाग के डॉक्टर को दिखाइए एक बार ताकि वो देख ले कि वो ऑटिज्म के साथ है वो मेंटल इलनेस या नहीं और अब ये ध्यान रखिए जब भी भी आपको दवाई बोली जाएगी देने के लिए तो वो उसके कुछ टाइम के लिए है कुछ सिम्टम्स के लिए अगर ऑटिज्म के अंदर रिलेटेड है पर आपने देनी है उसमें कोई हानि नहीं है नहीं। अगर बच्चा एग्रेसिव है तोड़ फोड़ कर दवाई दे रहे हैं तो थेरेपी में इंटरेस्ट लेगा और पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा तो आप वो जो दवाई आपको एडवाइस करी जाए वो लेनी है उसके ऊपर आप दिमाग में वहम या टैबू या कुछ नहीं ठीक डॉक्टर देवेंद्र ये बताएं कि सरकार की तरफ से ऐसे बच्चों के लिए क्या सुविधाएं हैं Uh, क्योंकि हम ये देखते हैं फिजिकली हैंडीकैप्टो जो बत, होते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट बनता है उन्हें रिजर्वेशन मिलता है लेकिन जैसा कि इस इस तरह के बच्चे हैं ये अच्छा भी कर सकते हैं जैसे कि अभी मैम ने भी बताया तो क्या इनके लिए भी कोई इस तरीके से रिजर्वेशन या सरकार की तरफ से सुविधा या फिर कोई सर्टिफिकेट इन्हें मिल सकता है इसके बारे में बताया जी हाँ ऐसा है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने जो डिसेबिलिटी की लिस्ट थी उसको काफी बड़ा कर दिया है बहुत सारी नई बीमारियों को डिसेबिलिटी में डाला गया है और उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए रूल्स uh, क्या हैं रेगुलेशन क्या है क्या फैसिलिटी मिलनी है अभी वो काफ़ी कुछ आ गया है ऑटिज्म ऑटिज़म को भी एक डिसेबिलिटी घोषित किया गया है और उसके जो टेस्ट हैं वो बता दिए गए हैं तो जैसे ही आपको को डायग्नोसिस पता लगता है ऑटिज़म का आप किसी सरकारी अस्पताल में जाकर

नौ साल का भी हो गया है वो अगर सर्टिफिकेट बनवाता है और स्कूल में क्या उसे एडमिशन भी मिल सकता है

माता पिता बनने वाले हैं ऐसे जोड़ों के लिए और जिनके बच्चों के साथ ये समस्या है समस्य है उनके लिए क्या मैसेज मैसेज मेरा है कि, ये कि इसको एक बीमारी की तरह ना लें ये मत लें कि ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है और हमें इसमें मेहनत करनी है आप इसको सोचें एक मानसिक विकार है बच्चा आपका बच्चा दूसरे बच्चों से भिन्न है और उसके साथ जितना आप काम करेंगे उतना वो बेहतर हो डॉक्टर शिफाली और जो बा, बाकी लोग हैं, ये तो मैं पेरेंट्स के लिए ये तो हिम्मत नहीं हारनी है नहीं। आप लोगों के साथ हम आपकी जर्नी में आपने हाँ। कोई गलती नहीं की है ना बच्चे की गलती दूसरे, है। बच्चे दूसरे, हाँ। दूसरे बच्चे के लिए अगली प्रेगनेंसी में नहीं चार से सात प्रतिशत चांस ही होता है ऑटिज्म होने का तो वो कम है तो ऐसा नहीं है की आप पूरा हाँ जी और बाकी जो लोग हैं उनको बस एक मैसेज है क्योंकि इंपोर्टेंट है की सारे इंडिया में

जो जानकारी हमने आप तक तो पहुंचाई है इसका ज़रूर लाभ होगा आप इस समस्या को समझेंगे आपके अगर कोई सुझाव है तो आप हमें सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं इसके लिए बस करना आपको ये है कि आप हमें पत्र लिखें और हमारा पता नोट कर लें डी किसान कमरा नंबर सात दूसरी मंजिल केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली एक एक शून्य शून्य चार नौ हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लें ये भी बहुत आसान है आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारा ईमेल एड्रेस है स्वस्थ किसान एट जी मेल डॉट कॉम तो आज के लिए बस इतना ही अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें मंगल रहें और दूरदर्शन किसान के साथ बने रहें नमस्कार